बसमिलीम अलिम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आज की वीडियो के अंदर हम दो मु डिपार्टमेंट्स की अपडेट्स के हवाले से बात करेंगे सबसे पहले पी पी एस सी पे बात करेंगे और उसके बाद फिर जी एच यू में सिविलियंस की जॉब्स आई थी आपको याद होगा अक्टूबर के महीने में आई थी सोलह अक्टूबर आई गेस लास्ट डेट थी और बैंक का अबीब में तीन सौ कुछ रुपये आपने फीस जमा करवाई थी और उसका ए एम डी टी ई डैश आर ई सी टी करके कुछ वेबसाइट का लिंक था वहाँ से आपने अप्लाई किया था उसके हवाले से भी टेस्ट की अपडेट के हवाले से भी बात करेंगे सबसे पहले पी पी एस सी पर बात करते हैं तो पी पी एस सी ने कुछ रिजल्ट अनाउंस किए हैं जिसमें रिटर्न टेस्ट का एक ही रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो है टाइपिंग एंड प्रोफिशेंसी टेस्ट का रिजल्ट है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर सेवन सी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इसका टाइपिंग एंड प्रोफिशेंसी टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस हुआ है ये अगर किसी ने दिया है प्रोफिशंसी टेस्ट तो वो चेक कर सकता है कि आपका टेस्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ फर्दर आपको नेक्स्ट जो भी प्रोसेस है इसका इंटरव्यू का उसके लिए शेड्यूल आएगा तो आपको बुलाया जाएगा उसके अलावा फाइनल रिज़ल्ट के अंदर कुछ ख़ास रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए हैं अबतः एक दो रिज़ल्टाउंस हुए हैं जो अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं इसके अलावा जहाँ तक बात है कैनाल पटवारी के, के रिज़ल्ट की वो आई थिंक आना शुरू हो जाएंगे नवंबर के लास्ट वीक में क्योंकि ये नवंबर का लास्ट वीक है सो so, इस वीक से आना शुरू हो जाने चाहिए मेरे ख्याल से क्योंकि एक महीना तो हो गया पेपर को तो आना शुरू हो जाएंगे हो सकता है इस वीक में नहीं आते तो डिपेंड करता है आपके सर्कल्स पे जहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है वो हो सकता है कि इस वीक से आना शुरू हो जाए वरना फिर नेक्स्ट वीक में यानी कि ये वीक या नेक्स्ट वीक में आपके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे बाकी जहाँ तक बात है दूसरे रिमेनिंग सर्कल्स के पेपर्स की तो वो इन मोस्ट प्रॉब्बली इस वीक के अंदर शेड्यूल अपडेट हो जाएगा हो जाना चाहिए वैसे भी अगर दिसंबर के सेकेंड वीक में भी होने हैं तो अब तक उसका शेड्यूल मे बी कल या परसों यानी कि परसों तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उसका शेड्यूल प्लानर के अंदर आ जाएगा और इसके अलावा क्लबिंग की डिटेल जारी होगी क्लबिंग की डिटेल अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं जो असिस्टेंट के जो टेस्ट 12 नवंबर को 13 नवंबर को कंडक्ट होने थे जो कि पोस्टपोन हो गए थे सो सेम जिस तरह पहले क्लब किए गए थे वैसे ही अब क्लब किए गए हैं सो आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं क्लबिंग डिटेल्स को जिनका सिलेबस सेम था उनको क्लब कर दिया गया इसमें एक तो ये जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ट्रावलपिंडी की सीटें उन दोनों को क्लब कर दिया गया है क्योंकि दोनों का सलेबस सेम है उसके अलावा जो असिस्टेंट की सीटें हैं जितनी भी असिस्टेंट की सीटें उन सबको क्लब करके उनका एक ही पेपर लिया जाएगा जो कि तीन दिसंबर को मॉर्निंग सेशन में है यानी कि दस से बारह बजे के दरमियान आपका ये पेपर होगा उसके बाद ये नीचे लीगल एडवाइज़र और लॉ ऑफिसर इनका क्योंकि सलेबस सेम होगा तो इनको क्लब कर दिया गया सब बाकी आपकी रोल नंबर स्लिप्स जो हैं ओ पी पी की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है नेक्स्ट बात जो हमारी है इसके हवाले से इस वेबसाइट का मैं जिक्र कर रहा था ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जी में जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ की जॉब्स आई थी उन पर अभी अपडेट क्या है कि यह आप देख रहे हैं टेस्ट का लेटर्स आर नाउ अवेलेबल टू डाउनलोड फॉर कोईटा सेंटर कैंडिडेट्स यानी कोटा जिन दोस्तों ने जिन उम्मीदवारों ने कोटा सेंटर को सेलेक्ट किया था टेस्ट के लिए तो कोई सेंटर पे टेस्ट होने जा रहे हैं सो वो लोग अपनी जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी ये फेजेस में चलते हैं किसी एक दिन टेस्ट नहीं होता ये क्योंकि आर्मी सिलेक्शन सेंटर पे होते हैं टेस्ट सो ये मुख्तलिफ़ डेज में चल रहे होते हैं हो सकता है किसी का आपसे पहले हो किसी का बाद में हो सो दो तीन दिन चार दिन ये इस तरह चलते रह जाते हैं सो आप लोग अपने टेस्ट की डेट को देख सकते हैं बाकी जो इसके पेपर्स हैं पास पेपर जो लास्ट ईयर हुए थे असिस्टेंट की पोस्ट के स्पेशली वो मैंने तकरीबन तीन चार वीडियोस अपलोड की हुई हैं वहाँ से आप लोग पास पेपर्स को देख सकते हैं सो so, अपडेट यही है कि जिनका कोयटा सेंटर था जिन्होंने कोयटा सेंटर को सेलेक्ट किया था उनकी जो टेस्ट कॉल लेटर्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं बाकी ये फेज़ वाइज़ आएंगे फिर ये सिंध में चले जाएंगे आप फिर ये पंजाब में आ जाएंगे इस तरह ये फेज वाइज चलेगा तो पंजाब के जो टेस्ट हैं वो लाहौर में होंगे वाल्टन रोड पे आर्मी सिलेक्शन सेंटर है लास्ट ईयर वहाँ पर हुए थे मोस्ट प्रॉब्ली इस मरतबा भी वहीं पर होंगे जिन लोगों का लाहौर सेंटर होगा सो इसमें फ़र्दर जो भी अपडेट आती है लाहौर के कैंडिडेट्स के हवाले से या जो भी फर्दर बाकी एरियाज हैं बाकी जो टेस्ट सेंटर्स हैं उनके हवाले से अगर अपडेट आती है वैसे आपको मैसेज भी कर देंगे लेकिन अगर वेबसाइट पे अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा फ़िलहाल के लिए यही है कि कोटा सेंटर के कैंडिडेट्स अपना टेस्ट का लेटर डाउनलोड कर सकते हैं बाकी पेपर्स मैंने मैंशन कर दिया वीडियोज़ अवेलेबल हैं वहाँ से आप लोग पास पेपर्स को देख सकते हैं इसका क्योंकि एम सी क्यूज बेस्ड पेपर नहीं होता इसका पेपर जो है वो फिल द्लैक्स कह लें या शॉर्ट आंसर कह लें इस तरह से होता है क्वेश्चन लिखा है उसका जवाब आपने ख़ुद देना है इसके लिए कोई ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं होते साठ नंबर का ही जैसे पेपर होता है लास्ट ईयर साठ नंबर का था इसमें मुख्तु पॉशनस होते हैं कम्प्लीट पेपर मैंने लास्ट ईयर बाईस नवम्बर का जो पेपर है वो कम्प्लीट पेपर जो है वो आपको वीडियो में मिल जाएगा वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं बाकी मजीद अगर आपका इस हवाले से क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में मिलते हैं इनशाला आपसे नेक्स्ट वीडियो में